आप सभी को मेरा नमस्कार। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इसी तिथि को श्री कृष्ण भगवान का मथुरा नगरी में कंस के कारागार में जन्म हुआ था। इस दिन कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन और झांकियां सजाई जाती हैं। रात 12 बजे यानी 12 बजे अर्ध रात्रि तक व्रत रख कर भगवान का प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद के रूप में फलाहार और धनिये की पंजीरी और पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। दूसरे दिन सुबह इसी उपलक्ष में नव महोत्सव मनाया जाता है। भगवान के ऊपर हल्दी, दही, तेल, घी आदि छिड़क कर आनंद से उन्हें पालने में झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है और धर्म शास्त्रों में पलंग पर देवकी सहित श्री कृष्ण भगवान के पूजन का विधान बताया गया है। आइए अब शुरू करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी, तब वो गाय का रूप बनाकर सृष्टि करता श्री ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की दुखांत कथा को सुन रहे थे। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये तो अत्यंत चिंता का विषय है कि हमें विष्णु जी के पास चलना चाहिए। तो सभी देवता ब्रह्मा जी और पृथ्वी को साथ लेकर सिर सागर जा पहुंचे। वहां विष्णु भगवान अनंत श्रेया पर सो रहे थे। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। देवगण के स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई और भगवान विष्णु ने सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी में पृथ्वी बोले, महाराज मेरे ऊपर बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इसका निवारण कीजिए। ये सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव को भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। वहीं देवता ब्रज में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा और गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन के बाद वसुदेव नवविवाहित देवी की और साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के घर का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। कंस आकाशवाणी सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंस ये औरत बेकसूर है, इसे मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं अपनी सब संतान को आपके हवाले कर दूंगा, तब आपको कौन मारेगा। कंस ने उनकी बात मान ली और उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। दिए गए वचन के अनुसार वासुदेव ने अपने सभी पुत्रों को कंस को दे दिया और पापी कंस उन्हें मारता चला गया। देवकी के 7 पुत्रों के मारे जाने के बाद 8वें गर्भ के बात जब कंस को मालूम हुई, तब उसने देवकी और वासुदेव को विशेष कारागार में डलवा दिया और कड़ा पहरा लगवा दिया। रात के समय भगवान विष्णु ने बालक के रूप में प्रकट होकर वसुदेव को अपने आप को गोकुल नंद के घर पहुंचाने और वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। जब वसुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले चलने के लिए तैयार हुए, तभी उनके हाथों की हथकड़ियां लड़खड़ा कर टूट गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सोए हुए नजर आए। तो वासुदेव ने जब कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि उसने वासुदेव के गले तक को छू लिया। चरण कमल छूने के लिए लालायत यमुना कृष्ण भगवान द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार करके गोकुल पहुंच गए। वहां खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बाल कृष्ण को उनके पास ही सुला दिया
और सोई हुई कन्या को लेकर चले गए। जब वसुदेव कन्या लेकर कारागार में पहुंच गए तब जेल के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। वसुदेव और देवकी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं और कन्या जोर जोर से रोने लगी। कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों ने कंस को इसकी सूचना दी। खबर पाते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट हो गई। वो बोली, कंस तुम मरने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर बकासुर, पूतना और कंस जैसे राक्षसों का वध किया और पृथ्वी तथा अपने भक्तों की रक्षा की। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री कृष्णा।